वाई ट्रेंड्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन 3x अपॉन साइन x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेई मेंस, इस तरीके के क्वेश्चन बनाती है, थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन बनाती है, कोई बात नहीं है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। गिवन चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा, साइन 3x अपॉन साइन एक्स, इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूँ आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सेम एंगल आर्गुमेंट में लिया हो तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin³x और नीचे डिवाइड आपका साइन एक्स। सर साइन एक्स को डिवाइड कर दीजिएगा तो ये बनेगा 3 माइनस 4 sin²x। हाँ जी, वाई आपका नज़र आ गया होगा 3 माइनस 4 sin²x। इसके रेंज किस तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके का है, आपको पता होना चाहिए। हम जो आपका रेंज का फर्स्ट टाइप था उस तरीके से इसको रेंज को निकालेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर की रेंज क्या होती है, साइन स्क्वायर की रेंज है 0 से 1, और अगर हम इसका -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4। अब इसमें 3 ऐड कर देंगे तो ये बने 3 -4 sin² x, ये बन जाएगा -1। तो y की रेंज आ गई है आपकी -1 से 3। अब ध्यान से सुनिएगा कि -1 से 3 रेंज जो आई है वो पॉसिबल है या नहीं है। तो सर इसमें क्या दिक्कत है, इसमें तो हमने निकाला है, लेकिन सुनिएगा बात को, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो डी आर में है, डिनोमिनेटर में है, वो साइंस है, और साइन से जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन पंगा पड़ जाएगा आपके, तो ये जो नहीं होना चाहिए। तो सर ये जीरो कहाँ होता है, साइन अक्स जीरो होता है आपका एन पाई पे, कहाँ होता है आपका एन पाई पे। हाँ सर, साइन अक्स जीरो होता है आपका एन पाई पे। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, साइन अक्स को आप जिस दिन जीरो कर दोगे उस दिन सबसे बड़ी मुसीबत आ जाएगी आपके। तो सर यही होना चाहिए साइन एक्स से, तो ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जीरो वाले पार्ट को उठाएंगे, ये जीरो वाला उठा दिया, ये जीरो वाला उठा दिया, फिर हमने साइन चेंज कर दिया है तो ये वाला हट जाएगा, फिर ये वाला हट जाएगा। तो सर ये यहाँ क्लोज आएगा या ओपन आएगा, तो यहाँ ओपन आएगा, ये नहीं आएगा आपका, आएगा वाई बिलोंग्स टू -a 3। हाँ जी, वाई बिलोंग टू -1 से 3 क्वेश्चन आपका बनेगा, इस निकली जाएगी इस लीनियस की। अच्छा, और क्वेश्चन देखते हैं, इसका और अल्टरनेट मेथड है, वो मेथड भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, है ना, आप बोलोगे तो मैं करवाऊंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आपका y इक्वल टू नजर आया है 3 -4 sin²x। अब आप मेरे को इतनी बात बता दीजिएगा कि साइन स्क्वायर अक्स आपका वो जीरो जीरो इंक्लूड नहीं करना है, तो 0 से 1 के बीच में है, बस इतनी बात आपके समझ में आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं इसको एक चीज लिख देता हूँ यहां से ना लिखिए, यहां
यहां से लेता हूं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 3 माइनस y/4। बस मैं थोड़ा सा सेट किया है, y को इधर है, साइन स्क्वायर को इधर लेके आया, फिर 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 माइनस y/4, और ये आ जाएगा आपका 1। 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 3 माइनस y इक्वल टू 4, फिर आप 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बनेगा -3 -1, और माइनस को चेंज करते ही आप क्या बन जाएगा आपका 3 y -1, तो y चेंज आ गई है -1 से 3।